वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ सौरभ और आज मैं दिखा रहा हूँ एक स्ट्रीट व्लॉग में जो कि मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा। मैं रास्ते से निकल रहा था इधर से कुछ काम से, तो मुझे दिखा कि कुछ लोग एक टेबल पे हेलमेट रखे हुए हैं, कुछ लोग वहाँ खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जस्ट सीन दिख रहा होगा आपको। तो मैंने इनसे बात किया तो बहुत ही अच्छा मुहिम ये चला रहे हैं कि जो भी युवा 2 टीके ले चुके हैं और 18 ईयर्स प्लस हैं, उनको ये हेलमेट रिक्वायरमेंट होगी तो उनको फ्री में मिलेगा। आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे ये पूरे तरह से हेलमेट लगे हुए हैं काफ़ी, और लोग ले भी रहे हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से इस हेलमेट को सजाया गया है। हेलमेट हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, आप देख सकते हैं कि ये मुहिम चला रहे हैं। और हमारे साथ है हेलमेट मैन, जो कि इसके मुहिम के बारे में बताएंगे आपको। आप जानते हैं कि उनसे कि आखिर ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रास्ते पर चलते हुए आपने देखा कि जो यूथ को हेलमेट्स मिल रहा है, तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ ये इतना स्मार्ट जो है, मेरे हाथ पे जो ये हेलमेट्स देख रहे हैं, शायद इधर से ब्लैक आ रहा होगा, इधर से सही हो चुका है, तो अब आ रहा है। ये जो हेलमेट्स मैं दे रहा हूँ, जिनकी 18 साल उम्र पूरी हो चुकी है और भारत सरकार ने जो नियम लागू कर रखा है, 18 साल के बच्चों को ही सड़क पे चलते वक्त 2-व्हीलर सवारियों को हेलमेट जो लगाना चाहिए या नियमता लेके चलना चाहिए। वैसे मेरा नाम हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार है और मैं जैसा कि 4 साल के बच्चों के ऊपर भी जो भारत में कानून पास करवा चुका हूँ, लेकिन इस वक्त जो कोरोना महामारी की जो लड़ाई में जो यूथ है जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन का टीका ले रखे हैं, मैं उन्हें पूरे भारत में एक हेलमेट दे रहा हूँ। मैं बाइक कोरियर भी भेजता हूँ उनके घर तक हेलमेट, और जहाँ जहाँ ज़्यादा बच्चे रजिस्टर करते हैं उस शहर में भी आके देता हूँ। तो इस समय मैं पटना में हूँ जो यूथ को दे रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि उनसे एक मैं विनती करता हूँ कि वो ट्रैफिक वॉलंटियर बन करके, जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा सड़क हादसों में मौत होती है और ये मौत बहुत ही भयावह और डरावनी है, क्योंकि ये भारत की जो सड़क हादसे में मौत विश्व के पहले स्थान पर है। तो जिस तरीके से कोरोना महामारी है, उसी तरीके से मैं सड़क दुर्घटना महामारी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, क्योंकि भारत में हर युवा, चाहे जो एक जन्म लेता है, चाहे 10 दिन का भी एक छोटा सा बालक है, उसके ऊपर भी 32,000 का कर्ज है। तो हमारा देश की जो आज GDP है, 1% सड़क हादसे में वो चीज़ें माइनस हमारी नुकसान हो जाता है, और हमारे देश के ऊपर विदेशी इतना कर्ज भरा हुआ है कि कहीं ना कहीं हर युवाओं की ही जिम्मेदारी है। तो मैं देश के सारे युवाओं को, मैं नहीं चाहता कि वो विकलांग हो, सड़क हादसों के प्रति जागरूक करें और कहीं ना कहीं उनकी सड़क हादसे में मौत ना हो, उनको मौत से सुरक्षा करने के लिए मैं एक इंडियन होने के नाते, क्योंकि सड़क हादसे में मैंने अपने मित्र को खो दिया था, और भारत के तब से हर युवा को अपना मित्र बनाने के लिए एक हेलमेट देता हूँ, ताकि वो हमारे साथ इस जंग में साथ लड़ सके। धन्यवाद। तो सर, मैं पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा आपसे कि हेलमेट आप खुद के खर्च से देते हैं या कुछ भारत सरकार इसमें आपके सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं पिछले 8 सालों से कार्य कर रहा हूँ और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, 55,000 अब तक हेलमेट बांट चुका हूँ। भारत के चाहे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हो या ही बिहार सरकार के परिवहन में, सब जगह से ट्वीट मिलती है, सराहना मिलती है, कोई मदद नहीं करता है, बॉलीवुड से लोग भी हैं। और इस कार्य के लिए मैं अपना घर तक भी नोएडा में वो बेच चुका हूँ, गांव की ज़मीनें भी सेल कर चुका हूँ, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारा हूँ। आज बैंक के 13 लाख कर्ज में होते हुए भी फिर भी मैं सड़कों पे हेलमेट लेकर के खड़ा हुआ। सलाम है सर आपको, सलाम है मेरी तरफ से, और आप, मैं, मेरी शुभकामनाएं है कि आप बहुत जल्द तरक्की करें और ये मुहिम चलाते रहें, हमारा सपोर्ट हमेशा आपके पास रहेगा। आप देख सकते हैं गाइस कि कुछ न्यूज़ रिपोर्टर वाले भी यहाँ पे आ गए हैं और ये मुहिम काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है सड़क पे। मैं एक स्ट्रीट व्लॉगर हूँ, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आपके तरफ से पहुँचा रहा हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी युवा यहाँ पे, आपको कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, रोड सेफ्टी के लिए तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। ऐसा काम अगर बिहार सरकार ध्यान दे इन पे तो बहुत आगे की ओर तरक्की करें। तो आपने हेलमेट लिया यहाँ से, आप कुछ कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ का हम मेन वॉलंटियर हैं, हम ही हेलमेट मैन को बुलाया। अच्छा, ये वॉलंटियर, आपका नाम क्या है सर? आदित्य कुमार नाम है। इनका नाम आदित्य कुमार, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा युवा को कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यही मुहिम चलाते रहिए। हम जैसे युवाओं को ये सिर्फ जानना चाहिए कि हेलमेट हमारे लाइफ के लिए कितनी सुरक्षा है और हमारा फैमिली, हमारे बच्चों के लिए, हमारे फैमिली के लिए कितने ज़रूरी है हेलमेट पहनना। जैसे टीका जरूरी है शुरुआती में बच्चे को जन्म लेते हैं, वैसे ही हेलमेट जरूरी है आज के समय में, और हम लोग का मेन पार्ट हो चुका है हेलमेट। विदाउट हेलमेट चलना बहुत बड़ी मुश्किल है आज के समय। जी जी जी, आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे कैसे फॉर्म को भर के, फॉर्म को फिल करके, आधार कार्ड लेकर ये युवाओं को हेलमेट बांट रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री में, मतलब बिल्कुल फ्री, एक भी कॉस्ट नहीं। जैसा कि हमारे हेलमेट मैन बता रहे थे, बेचारे ने अपने घर को, नोएडा के घर को बेच दिया। आप समझ सकते हो कि हम लोग यहाँ कमाते हैं 300-400 पर डे और उन्होंने अपने घर को बेच दिया ये काम करने के लिए। सलाम है उनको। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुहिम कंटिन्यू चल रहा है, लगातार चल रहा है, कुछ कैमरामैन भी आ गए हैं। मैं आपको दूर से दिखाना चाहूँगा, हाँ
आप देख सकते हैं कितने प्यार से, कितने अच्छे दिल से इन्होंने हेलमेट इनको पहनाया। कैसा लग रहा सर आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। ओके, हेलमेट भी काफ़ी कंफर्टेबल होगा जी सर? बहुत कम। चलिए आप लोग ऐसे ही काम करते रहें, हमारी शुभकामनाएं दुआएं हैं। और जरूर आप लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, हेलमेट पहन इंडिया के साइट पर जा करके गो साथी गो में जरूर रजिस्टर करें। साइट का नाम बता दीजिए ठीक से। helmetmanindia.com में गो साथी गो का ऑप्शन है, उस पर जाके रजिस्टर करें ताकि मैं आपके घर तक हेलमेट लेकर के आऊँ। तो आप जैसा गाइस आपने देखा कि काफ़ी अच्छा मुहिम चला है, काफ़ी बढ़िया मुहिम चला है। और प्लीज़ ये बेली रोड का रास्ता मैं दिखा दूँ, ये एड्रेस बेली रोड का है। इधर से आपका पीछे म्यूजियम है जिसका मैंने व्लॉग बनाया था कल, तो इसके ये जस्ट इसके बगल में टेबल लगा हुआ है। आप यहाँ पे आएँ, फॉर्म भरें, आधार कार्ड दें, पैन कार्ड दें, हेलमेट नहीं है तो आप हेलमेट ले लें, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको दो टीका लेना ज़रूरी है। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। आप बने रहें मेरे व्लॉग के साथ और मैं नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी लाऊंगा। मुझे ये स्ट्रीट व्लॉगिंग बहुत मज़ा आता करने में। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मुझे लाइक करें। चलता हूँ, थैंक यू।